सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम अजय कुमार सुनी जैन। गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2K16। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल के साथ। जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा फिफ्थ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ मॉडल के बारे में। नहीं गाइस, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैं मॉडल के बारे में बात करूंगा, बट मैं मॉडल के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस इस लाइन के बारे में दोबारा से एक बार, क्योंकि ठीक है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में कि ये लोड एक मतलब जो फंक्शनैलिटी है ये हमें इस क्लास से मिल रही है। अगर मैं इस क्लास को एक्सटेंड ना करूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सी एरर दे देगा। सो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है। सो आपको ये पहले क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था, बट मेरे एक दो फ्रेंड हैं जो मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ इसके अगर इसका आप एक सेपरेट वीडियो दे दीजिए, और लोगों को भी अगर हमें दिक्कत आ रही है तो उन लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप पहले एक बार मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज़ देख लो तो आपको ज़्यादा से क्लियर होगा। बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं जैसा मैंने कहा है कि मैं इस फ्रेमवर्क को ऐसे बताऊंगा आपको कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझ आने लग जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा हाथ अगर तांगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो आप यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको यही चीज़ का सेम चीज़ का ये हम एक क्लास बनाएंगे, ऐसी क्लास में बना के दिखाऊंगा अभी आपको अलग से। PHP के अंदर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते हैं और मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो एक क्लास सिंपल बनाता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले। इस क्लास को कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, हम खुद एक क्लास बना रहे हैं क्योंकि इस क्लास में बहुत लॉजिक लिखा हुआ है, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहे हैं हम खुद बनाते हैं, और एक क्लास हम और बना लेते हैं वेलकम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो जी ठीक है। और इसके अंदर हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है व्यू का, तो यहाँ एक बना लेते हैं सिंपल फंक्शन पब्लिक और फंक्शन व्यू। ठीक है, और यहाँ पे एक ले लेते हैं हम प्राइवेट वेरिएबल और लोड, और इसमें बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर। अगर मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये काम करता विदाउट फ्रेमवर्क तो ये इस तरीके से काम करता। अगर हम एक फ्रेमवर्क लिखने बैठ जाएं तो कैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब अगर मैं इसको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको देख के ली तो मैं कोड लिख रहा हूँ अब। तो एक बनाते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस क्लास को इसको सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, ये जो एक छोटा सा हम लिख रहे हैं। इसको सी ड्राइव में हम चलते हैं FM के अंदर और यहीं सेव कर देते हैं check.php। तो ऐसा देखें कलर वगैरह चेंज हो गया। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे लोड इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, इसका। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ताकि मैं ये फंक्शन एक्सेस कर पाऊँ। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शन समथिंग नाम दे देते हैं, कुछ करेगा ये, क्या करेगा अभी देखते हैं। तो गाइस हमने एक क्लास बनाई CI कंट्रोलर, जैसे आप देख रहे हैं हमारे फ्रेमवर्क में भी एक क्लास है, हमने उसमें एक व्यू फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे फ्रेमवर्क में लिखे हैं, बट हमने एक व्यू फंक्शन को भी पकड़ा और यहाँ सिंपल प्रिंट करवाए थे इको व्यू डिस्प्ले। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज आएगा, तो मैंने क्या करा वेलकम एक बनाया, वेलकम का मैंने यहाँ पे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा समथिंग के अंदर एक काम और करते हैं, सबसे बेस्ट जो रहेगा यहाँ पे हम लोड, चलो हमने दे दिया, उसके बाद समथिंग फंक्शन कॉल किया। अब मुझे ये फंक्शन जो है, चलो ठीक है, अब सिंपल मैं क्या लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल दिस और ये लोड, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कॉल हो रही है दिस लोड। तो लूडोरा लगा लेते हैं दिस के आगे हम लोड, और मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है अपना व्यू वाला, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वैसे मैं बता चुका हूँ अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज से बहुत अच्छे से सब बातें की हैं मैंने, बट फिर भी कोई बात नहीं, अब ये लाइन है तो इसको अच्छे से समझा जाए। तो हमने एक CI कंट्रोलर अपनी क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया व्यू, ऐसे और भी जितने फंक्शन बनाए चाहे बना सकते हैं, और जो लॉजिक होगा व्यू का, जो व्यू को दिखाता है वो लॉजिक यहाँ लिखा होगा। अभी इसे फिलहाल हमने खाली इको करवाया है। एक क्लास बनाई है वेलकम, वेलकम के अंदर एक वेरिएबल दिया है प्राइवेट दिया है लोड, और एक हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ देते हैं फंक्शन, वैसे देने की जरूरत नहीं है ये क्योंकि आप ये ना भी दें तब भी चलेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे अभी इसको
हटा देता हूँ पहले तो मैं, कोई बात नहीं, मगर अगर आप रखेंगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिंपल लोड है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका बनाया है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं व्यू को एक्सेस कर पाऊँ। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई और फंक्शन कॉल करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, दिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग। दिस लोड, मुझे लोड कॉल करना, एक वेरिएबल है ये, तो इसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट भी है एक तरीके से देखा जाए तो। ऑब्जेक्ट है ये किसका, इस सी आई कंट्रोलर का। हमने क्या कॉल कर लिया, व्यू कॉल कर लिया बस। ये तो ये लाइन देखिए, सेम लाइन तो लिखी है यहाँ पे, आई थिंक क्लियर होगा आपको। कोई पैरामीटर भेजना तो पैरामीटर भेज सकते हो आप, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रिसीव करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भेजता हूँ यहाँ पे इन एक पैरामीटर कुछ भी देते हैं, इंडेक्स देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फिर डॉट इंडेक्स और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ भेजना पड़ेगा, तो क्या भेजता हूँ मैं, यहाँ भेज देता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी, वैसे बस एग्जाम्पल के लिए। उन्होंने लोड भेज दिया, उसके बाद गाइज कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ भी हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं पूरा समझाता हूँ, सी आई कंट्रोलर एक क्लास है, वेलकम के अंदर इसको एक्सटेंड करना चाहो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा इस केस में, वरना एक्सटेंड कर लोगे तो अब क्या होगा, इसे एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट अब मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है डायरेक्टली, प्राइवेट वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया डायरेक्टली। तो जैसा आप देख रहे हो ये बहुत सिंपल हो गया है यहाँ पे, और अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक्सटेंड से, तो मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सब हटा दो। तो अब पर एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये दिस अंडरस्कोर लोड कैसे आएगा, हमें मैंने को ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा उसका, तो इसलिए मैंने ये काम किया था। ठीक है, बस ये लाइन बन गई आपकी। अब जैसे ही आप अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे समथिंग वाले को, तो ये पार्ट आपका कॉल हो जाएगा और व्यू फंक्शन में जाएगा इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी रिसीव करेगा और व्यू डिस्प्ले के आ जाएगा इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो ये था इस गाइज इस लाइन का मतलब, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये आप इस प्रोग्राम को चला के भी इसको आप छोटे से प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दिखाने की कोशिश की, तो ये इसका मतलब था इस लाइन का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मॉडल के बारे में। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।